सोलन न्यू सर्किट हाउस में एक पुलिसकर्मी की राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी का जायजा लेते वक्त छत पर गिरने से मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार ईएसआई विनोद भागता राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी का जायजा लेने के लिए न्यू सर्किट हाउस सोलन में एसपी ऑफिस सोलन में तैनात सिक्योरिटी पद पर तैनात एएसआई विनोद भागता न्यू सर्किट हाउस सोलन की छत पर पहुंचे थे, जहां पर उनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को जांचा जा रहा था, लेकिन चौथी मंजिल की सीलिंग टूटने से ग्राउंड फ्लोर पर वे गिर गए, जिन्हें इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन लाया गया था, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के डॉक्टर बीडी नेगी ने बताया कि करीब 2:45 बजे उनके पास ये केस पहुंचा था, लेकिन व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनका कल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और इसके बारे में पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी। एएसपी सोलन अजय कुमार राणा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सिक्योरिटी इंचार्ज एएसआई विनोद राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी का जायजा लेने के लिए न्यू सर्किट हाउस गए थे। ऐसे में उन्हें जानकारी मिली थी कि वे चौथी मंजिल से सीलिंग टूटने के कारण ग्राउंड फ्लोर पर गिर गए हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि एएसआई विनोद भागता को हिमाचल दिवस के अवसर पर बेहतरीन कार्य करने को लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा सम्मानित किया गया था। उन्हें एनडीपीएस व हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले और नशाखोरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया था। हमें जब बताया गया था, जब यहाँ लाए गए थे तो हमने देखा कि वो ब्रॉड डेड थे, तो जब हमने देखा तो उनके जो है सिर में चोट लगने से दोनों कानों से ब्लीडिंग हो रही थी और नाक से भी, और उनके जो ब्रेन मैटर थे दोनों कानों से ब्रेन मटेरियल बाहर आ रहे थे। तो जब हमने देखा तो जो है सिर पे जो चेक करने पर देखा तो पूरे जो फ्रैक्चर जो सिर की जो हड्डियाँ थी वो मल्टीपल फ्रेगमेंटेड फ्रैक्चर्स थे, बिल्कुल डिप्रेस फ्रैक्चर थे। तो वो जो है ये होता कि अब जो है इमीडिएटली जो है इंस्टेंट डेथ हुई उनकी, जो गिरने से सिर पे चोट लगने से। ये उनकी उम्र, उनका नाम था विनोद दत्ता बागता बताया था, तो उनकी उम्र 46 साल थी। तो मैं एक्चुअली मैं डॉक्टर बीडी ने कि मैं सुबह से यहाँ पे मेरी ड्यूटी में तैनात हूँ यहाँ पे, तो तब जो 2:45 बजे करीब लाया गया था उनको, तो वो ब्रॉड डेड थी। तभी जी हाँ जी, वो जो उसकी कार्रवाई हम पुलिस को वैसे अपने आप वो पुलिस में कार्यरत थे, तो एक्चुअली हमने भी पुलिस वालों को फिर भी इन्फॉर्म कर दिया कि डेथ ब्रॉड डेड हैं करके, तो वो फॉर्मेलिटीज़ में पुलिस वालों को बता दिया गया जो है पोस्टमार्टम कल कराया जाएगा।